नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। साल था 2015, तारीख थी 12 दिसंबर। इस चौंकाने वाली कहानी की शुरुआत हुई शाम 6:30 बजे, जब हेमा और हरीश की लाशें कांदेवली के एक नाले में मिली। उनकी लाशें गत्ते के बॉक्सों में पैक थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों की हत्या गला घोटने से की गई है। पुलिस ने जल्द ही शहर के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों की पहचान की और जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हेमा उपाध्याय का अपने पति चिंतन उपाध्याय से तलाक का मामला चल रहा है और इस लड़ाई में वकील हरीश भंबानी उनका साथ दे रहे हैं। इसीलिए शुरुआती शक चिंतन पर ही गया और जल्द ही चिंतन को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन मामला पहली बार उलझा हुआ तब लगा जब पकड़े जाने के बावजूद चिंतन ऐसी किसी भी साजिश से इनकार करता रहा। लेकिन इसी बीच पुलिस को ऐसी बात का पता चला जिसने उसकी जांच का पूरा दायरा ही बदल दिया। ये हत्या से कुछ घंटे पहले हेमा उपाध्याय के मोबाइल पर आया फोन कॉल था। जब जांच की गई तो ये सामने आई कि जिस शख्स ने हेमा को फोन किया था उसने उनसे अपने पति चिंतन के खिलाफ कुछ सबूत देने को कहा था और इसलिए हेमा अपने वकील के साथ उनसे मिलने के लिए निकल गई। लेकिन आगे क्या हुआ इसे जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हुआ ये कि घर लौटना तो दूर, दोनों की हत्या कर दी गई और उनके शव कांदीवली के नाले में फेंक दिए गए। इस गुमनाम टेलीफोन कॉल के बाद हत्यारे की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही पुलिस जल्द ही वाराणसी पहुंच गई, जहां से उसने शिव कुमार उर्फ साधु राजभर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स ने सिर्फ दोनों हत्याओं के बारे में बात की, वह यह भी कबूल कर रहा था लेकिन इस साजिश में शामिल अन्य लोगों के नाम भी बता रहा था। मुंबई से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 दिन बीत गए लेकिन मुंबई की इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर हिस्ट्री की साजिश अब भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। सवाल ये है कि क्यों, क्योंकि आगे की कहानी तो और भी अजीब और भ्रमित करने वाली है। दोहरे हत्याकांड के इस मामले में साधु राजभर की वाराणसी से गिरफ्तारी के साथ ही उम्मीद जगी थी कि शायद इस हत्याकांड में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही साधु राजभर ने अपना मुंह खोला, यह मामला सुलझने की बजाय मामला थोड़ा और उलझ गया, क्योंकि साधु के मुताबिक उसने हत्या अपने गुरु यानी विद्याधर राजभर के कहने पर की थी। उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि हेमा उपाध्याय की विद्याधर से क्या दुश्मनी थी। हालांकि उसने पुलिस को यह जरूर बताया कि विद्याधर का कुछ विवाद जरूर चल रहा था पैसों को लेकर हेमा से। इस तरह विद्याधर की एंट्री हो गई। पुलिस शायद ही इस साधारण सी कहानी पर विश्वास कर लेती अगर उसे यह न पता होता कि हत्या से पहले हेमा के पति चिंतन उपाध्याय न केवल दिल्ली से मुंबई आए थे बल्कि उन्होंने और विद्याधर ने एक दूसरे से बातचीत भी की थी। ऐसे में सवाल ये था कि क्या विद्याधर और चिंतन का इस हत्याकांड में कोई लेना देना है। जाहिर है सवाल अभी बाकी थे। हेमा उपाध्याय और विद्याधर बिजनेस पार्टनर थे और इसी पार्टनरशिप के बकाए के तौर पर विद्याधर हेमा से 5,20,000 रुपये लेना चाहता था, जबकि हेमा ने रुपये देने से मना कर दी। 11 सितंबर को विद्याधर ने हेमा को फोन किया और उसे उसके पति चिंतन के खिलाफ कुछ सबूत देने को बदले में अपने रुपयों की मांग की। इस बार हेमा सबूतों के लालच में रुपये चुकाने के लिए राजी हो गई, लेकिन साथ ही ये शर्त रखी कि पहले सबूत की जांच कर लेंगे। विद्याधर इसके लिए राजी हो गया और दोनों कांदीवली में विद्याधर राजभर के गोदाम में जा पहुंचे। लेकिन यहां पहुंचते ही कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। विद्याधर और हेमा ने रुपयों के लिए बहस होने लगी और गुस्से में विद्याधर ने हेमा को चाटा मार दिया। अब हेमा के भी तेवर बदल गए और वे भी विद्याधर को थप्पड़ मार बैठी और बस यही गुस्से के माहौल में दोहरे कत्ल की जमीन तैयार हो गई। विद्याधर ने साधु समेत अपने 2 मुलाजिमों को इशारा किया और तीनों ने वेयरहाउस में रखा क्लोरोफार्म सुंघाकर हेमा को बेहोश किया और वारदात का जश्नदित होने की वजह से हरीश अंबानी को और फिर एक एक कर दोनों का गला घोटकर कत्ल कर दिया गया। बाद में यह बात सामने आई कि चिंतन विद्याधर के संपर्क में था और उसने ही विद्याधर को उकसाया था और हेमा को मारने की पूरी योजना बनाई थी। मुंबई की एक अदालत ने कलाकार चिंतन उपाध्याय को अपनी अलग रह रही पत्नी हेमा उपाध्याय की हत्या की साजिश रचने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोपी विद्याधर राजभर फरार है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने से पहले चिंतन लगभग 6 साल तक जेल में था। चिंतन ने अदालत के समक्ष अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि पुलिस दोहरे हत्याकांड के सुलझाने में असमर्थ थी और इसीलिए इसका फायदा उठा रही थी। उनके और हेमा के वैवाहिक विवाद के चलते उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।